टू वेरिएबल्स में दिखाना है एक्स और वाई दोनों के वैल्यूज लेके। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ वाई इज इक्वल टू थ्री है, वाई इज इक्वल टू थ्री है, ये वन वेरिएबल्स है। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि इसको वन वेरिएबल्स, वेरी इजी, वन वेरिएबल्स में दिखाना है। सिंपल, आप सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपकी लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है, राइट साइड पे पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखा दोगे, वन वेरिएबल्स है, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, y इज इक्वल टू थ्री, क्योंकि y आपका पॉजिटिव है। वन वेरिएबल्स, ये हमारी वन वेरिएबल्स की लाइन होती है, तो यहाँ पे क्या ले लिया, y इज इक्वल टू थ्री। अगर y की वैल्यू फोर होती तब भी यहाँ पे क्या आना था, अपने पास फोर आना था। ये स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या करना है सेकेंड पार्ट में, कि इसको टू वेरिएबल्स में दिखाना है, मतलब एक्स और वाई दोनों में दिखाना। वाई की वैल्यू आपकी थ्री ही रहनी चाहिए, वाई इज इक्वल टू थ्री इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स इज रिप्रेजेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप वैसे ग्राफिकल बनाओगे, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई आपका नेगेटिव, वाई आपका थ्री रहना चाहिए। एक्स की वैल्यू कुछ भी लेके चल सकते हो, हमने एक्स एट वाई जीरो लेंगे तो y क्या रहेगा हमारा, थ्री, यहीं पे पॉइंट आएगा। अगर x नेगेटिव लेते हैं तो ये हमारा y है, यहाँ आएगा। x हम माइनस टू लेते हैं तब भी y का पॉइंट यहाँ आएगा। x हमने क्या ले लिया, थ्री ले लिया, y क्या हमारा थ्री, मतलब हमारी क्या है, x की वैल्यू कुछ भी ले लो अगर y की वैल्यू सेम है तो ये हमारी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इस टाइप से आपने इनको रिप्रेजेंट, आगे है 2x प्लस 9 इक्वेशंस है आपके पास। अगर y की बात करते हैं तो आपके पास इस टाइप से हॉरिजेंटल लाइन आएगी, अगर x की वैल्यू है तो इस टाइप से आपकी इधर लाइन बनेगी, यानी कि वर्टिकली। 2x प्लस 9 है, यहाँ से सबसे पहले आप x की वैल्यू फाउंड आउट करोगे, इसको वन वेरिएबल्स में दिखाना है, वो वेरी इजी, सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे। माइनस 9 बाय माइनस 9 बाई 2 क्या होता है आपके पास, माइनस 4 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो नेगेटिव इस साइड होते हैं तो यहाँ पे 4.5। अब टू वेरिएबल्स में दिखाना है, अब आपकी एक्स की जो वैल्यूज है वो एक्स की वैल्यू आपकी सेम रहेगी, वाई की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। एक्स आपका क्या है, माइनस 9 बाई 2 है, यहाँ पे है आपका, इस लाइन पे है आपका माइनस 4.5, तो y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। y की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पॉइंट आ गया, वैल्यू वन लेंगे तभी आपके पास यहाँ आएगा, टू लगे तभी यहाँ आएगा, y की वैल्यू थ्री लगे तभी आपके पास ये, तो आपके पास इस टाइप में ये स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो बेटा जो आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है।